ही गंभीर है कोरोना के हर मामले में। पिछले साल से जब से शुरुआत हुई है और आज तक हर कदम पे बहुत गंभीरता के साथ हम लोगों ने काम किया है, बहुत जिम्मेवारी के साथ, और उसी का आज परिणाम है कि बिहार के अंदर 350 से भी कम कोरोना के मरीज राज्य के अंदर हैं। आज 6 जिला ऐसा है जहां 0 मरीज है और रिकवरी रेट 99.29% है। लेकिन विगत कुछ दिनों में देश के दूसरे राज्यों में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा तो हम सब लोग सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और परिस्थितियों के आलोक में हम लोग काम भी कर रहे हैं। लगातार जो हमारा टेस्टिंग है उस टेस्टिंग के काम को हम जारी रखे हुए हैं, और जब इधर के दिनों में कुछ सर्ज हुआ दूसरे राज्यों में तो हमारे विभाग ने यह निर्णय किया कि आगे आने वाले समय में हम टेस्टिंग की संख्या को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो हवाई अड्डा है वहां पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम रैंडम टेस्ट करेंगे, और खास करके जो महाराष्ट्र, केरल या पंजाब ऐसे राज्य से हमारे घर के लोग वापस आएंगे और उन लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में हम विशेष चिंता रखेंगे, और इस राज्य के अंदर कोरोना का प्रभाव नहीं बढ़े इस दिशा में हर जिले के अंदर जो हमारे सिविल सर्जन हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, वो सतत निगरानी रख रहे हैं। तो होली में सामूहिक जो होना है, होली मिलन समारोह पे किस तरह से रोक रहेगी? चूंकि दूसरे कुछ राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा, ताकि कहीं भीड़ भाड़ ज्यादा ना लगे, कोरोना का प्रभाव ना बढ़े, और जो राज्य के अंदर सब लोग हैं उन लोगों से हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं कि भले ही कोरोना को नियंत्रित करने में बिहार सफल रहा है, हम बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसके बचाव के भी जो उपाय हमको करने हैं वो हम सबको करने हैं, जैसे मास्क लगा के रहना, हाथ धोना, दूरी रखना और अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना, तो इन चीजों का ध्यान आज भी हमको रखना है, इसलिए सार्वजनिक होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हो ये निर्णय लिया गया है। घर में यदि कोई अपना होली का कार्यक्रम अपना करता है, घर में मिलने जुलने का पारिवारिक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले रिपोर्ट लाना जरूरी होगा जो लोग बाहर से आएंगे, जो बाहर से हवाई अड्डों पर जो बाहर से आएंगे वो यदि कोरोना जांच का रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं, यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं होगा तो हम उनका रैपिड टेस्ट से तुरंत जांच करेंगे। स्कूलों को लेकर के बंद किया जाएगा? हमारा जो राज्य सरकार का सीएमजी है, जो मुख्य सचिव के नेतृत्व में काम करता है, वो समय समय पर इसकी समीक्षा करता है, कल भी उन लोगों ने बैठक की है और आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे।